नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सैग एंड स्पिन क्या होता है। ठीक है, सैग और स्पिन के बारे में जानेंगे कि सैग क्या होता है, स्पिन क्या होता है। तो फ्रेंड हम आपको बता दें, सैग जो होता है और स्पिन जो होता है ये ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग होता है। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, ये कोई सामान नहीं है जो प्रयोग होगा, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि सैग क्या होता है, स्पिन क्या होता है। इसको अगर समझ लेते हैं तो हमको ट्रांसमिशन लाइन में जो फाल्टे जाते हैं, आप लोगों के गाँव में देखेंगे उसको फाल्टे जाएंगे, तो उनको आप समझ में आ जाएगा कि नहीं किस कारण से वहाँ पे फॉल्ट हुआ है, क्या कारण है कि वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो इसमें हम ट्रांसमिशन लाइन, जैसे पोल का जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन, जो पोल का ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसके ऊपर ये है, उसमें ये आवश्यकता पड़ता है इसका। तो हम उसके ऊपर देखिए, सैग हो गया एंड स्पैन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पैन को समझते हैं कि स्पैन क्या होता है। ठीक है, तो स्पैन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने एक टॉपिक लिखा हुआ है कि दो पोलों के बीच की दूरी। ठीक है, दो पोलों के बीच की दूरी जो होती है, जैसे ये पोल हो गए और ये एक पोल हो गया। ठीक है, पोल मतलब जैसे कि आप लोगों गांव में देखे होंगे या तो फिर शहरों में भी देखे होंगे, जो बिजली के खम्भे जो होते हैं। ठीक है, तो वो जो पोल होते हैं उनके बीच की दूरी जो होती है, ठीक है, उनकी दो, जैसे ये पोल हो गए और ये पोल हो गए, इसके बीच की दूरी, जैसे वहाँ पे तो कई सारे पोल लगे होते हैं, लेकिन किसी भी दो पोल के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पे एक पोल होगा, ये एक पोल हो गया। ठीक है, इस पोल के जो बीच की दूरी होती है, ठीक है, इसके बीच की दूरी को स्पैन कहते हैं, के बीच की दूरी को हम स्पैन कहते हैं। और अलग अलग लंबाई के हिसाब से जो खंभे होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो खंभे होते हैं, जैसे कोई होता है 8 मीटर का होता है, 9 मीटर का होता है, 13 मीटर का होता है और होता है, तो वो सब जो इतने लंबे लंबे खंभे होते हैं, तो अलग अलग खंभों की लंबाई के हिसाब से अलग अलग स्पैन होता है। ठीक है, तो स्पैन को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए, जैसे 8 मीटर पीएससी पोल है, ठीक है, 8 मीटर पीएससी पोल एलटी लाइन का है, तो उसको हम 40 से 45 मीटर दूरी तक हम उसको स्पैन को रख सकते हैं। मतलब एक पोल जैसे यहां पे है, ठीक है, तो एक पोल यहां पे या एक पोल यहां पे हो गया, तो यहां से 40 से 45 मीटर दूर ही हम इसको, दूसरे पोल को यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, यहां से 40 से 45 मीटर दूरी रहनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है, क्लियरेंस में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह 40 से 45 मीटर दूरी रखेंगे, नहीं, आपको क्लियरेंस मिलना चाहिए। अब घनी आबादी है, मार्केट में आप रखोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएंगे, किसी के घर पे चला जाएगा वायर कंडक्टर, तो कहीं और चला जाएगा, कहीं जलने का चांस हो जाएगा, कहीं झटका लगने का चांस हो जाएगा। तो वहां पे हमें हमेशा पोल को नजदीक नजदीक रखना चाहिए, जैसे 20 मीटर 30 मीटर पे ऐसे रखना चाहिए। लेकिन अगर रास्ता क्लियर है, रास्ते में मतलब कहीं भी, मतलब कि कहीं घनी आबादी नहीं है, कहीं भी बस्ती नहीं है बहुत सारी ज्यादा घनी, तो वहां पे हम 40 से 45 मीटर स्टैंडर्ड जो होता है वो ये 40 से 45 मीटर दूरी हम रख सकते हैं। ठीक है, 40 से 45 मीटर की दूरी को हम रख सकते हैं 8 मीटर के पोल के ऊपर। ठीक है, 8 मीटर का जो पोल होता है उसके ऊपर हम 40 से 45 मीटर दूरी रखते हैं। ठीक है, और अगर 9 मीटर का वही पोल है, 9 मीटर का पीएससी पोल है एलटी लाइन का, तो उसको हम 65 से 70 मीटर, स्टैंडर्ड साइज है, हमने बार बार बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, लेकिन उसको लोकेशन के हिसाब से उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 65 से 70 होता है। ठीक है, वो 65 से 70 होता है, जो कि 9 मीटर के पोल के लिए होता है अलाउड। ठीक है, 9 मीटर के पोल के लिए जो होता है वो 65 से लेके 70 मीटर तक हम इसको दूर तक रख सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम। ठीक है, वो भी ग्राउंड एकदम खाली हो, तब कहीं भी वहां पे बीच में बस्ती या तो फिर कहीं मार्केट ना हो तब। ठीक है, और अगला जो है वो है 13 मीटर का। ठीक है, 13 मीटर का जो पोल होता है, 13 मीटर रियल पोल जो होता है एचटी लाइन का। ठीक है, एचटी लाइन का जो पोल होता है 13 मीटर का, उसका दूरी जो होता है वो दो पोले के बीच की दूरी जो होती है वहां पे हम 85 से लेकर 95 मीटर तक हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 85 से लेकर 95 मीटर तक, 13 मीटर के पोल की हम 85 से लेकर 95 मीटर दूरी तक रख सकते हैं, वो भी क्लियर स्थानों पे, बस्ती वाले स्थानों पे नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बस्ती वाले स्थानों पे लोकेशन के हिसाब से। तो ये मेरा क्लियर हो गया कि जो होता है 8 मीटर का पोल 40 से 45 मीटर, और 9 मीटर का पोल जो होता है वो 65 से 70 मीटर, और क्या कहते हैं कि 13 मीटर का जो पोल होता है वो 85 से 95 मीटर दूर तक रखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरा स्पिन क्लियर हो गया कि स्पिन मतलब दो पोलों के बीच की दूरी जो होती है उसके हम स्पैन कहते हैं। ठीक है, उसको हम स्पैन कहते हैं। अब बचा है सैग, अब हम सैग को समझेंगे कि सैग क्या होता है। तो फ्रेंड यहां पे हम सैग को समझते हैं कि सैग क्या होता है। अभी तक हमने स्पिन को समझा, अब यहां पे हम इसको सैग को देखेंगे कि सैग क्या होता है। ठीक है, यहां पे देखिए रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन मतलब जैसे ये दो पोल हो गए। ठीक है, ये जो दो पोल हो गए, दो पोलों के एकदम समान, एकदम ये यहाँ पे जो हम लोगों का वी कर्व लगा होता है, इसके ठीक सामने और इसके ठीक सामने, रेफरेंस लाइन मतलब एक सीधी रेखा। ठीक है, इसके सीधी रेखा। ठीक है, रेफरेंस लाइन और कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है, ये मेरा है कंडक्टर। ठीक है, ये मेरा है कंडक्टर और ये है रेफरेंस लाइन। ठीक है,
ये रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच की दूरी जो होती है, ठीक है, रेफरेंस लाइन और कंडक्टर के बीच की दूरी को हम सैग कहते हैं, मतलब इसके और इसके बीच की दूरी। रेफरेंस लाइन कोई होता नहीं है, इसको हम मानते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है, एक सीधी रेखा, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन के और क्या बोलते हैं कि कंडक्टर जितना झूला होता है, आप लोगों गांव में देखे होंगे कि झूला होता है ऐसे कंडक्टर, ठीक है, नीचे की तरफ लटका होता है, तो ये जो इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम सैग कहते हैं, ठीक है, उसको हम सैग कहते हैं। और कंडक्टर से लेके पृथ्वी जो अर्थ होता है वहां से बीच की दूरी जो होती है, वहां से बीच की दूरी को हम ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। इसके बीच की दूरी ग्राउंड क्लियरेंस कहलाती है और इसके बीच की दूरी सैग कहलाती है। तो हमको सैग को समझना है कि सैग क्या होता है, तो सैग मतलब रेफरेंस लाइन और कंडक्टर के जो बीच की दूरी होती है उसे हम सैग कहते हैं। मतलब ये जो रेफरेंस लाइन है, मतलब एक मानक लाइन जो होता है, जो सीधी लाइन जो होगी, मतलब दोनों पोल के बीच, जैसे यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे पोल हो गया, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये सीधी होगी, तो ये जो इसके बीच की ये हो गई, और यहाँ पे ऐसे कंडक्टर ऐसे झूला हुआ है, तो इसके और इसके बीच की दूरी जो हो गई वो हो गई सैग, ठीक है। तो यहाँ पे अब सैग का एक फार्मूला है कि इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट टी, ठीक है, 8 इंटू टी। तो L का मतलब होता है, मतलब इस पर डिपेंडेंट करता है सैग किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है ये बताएगा ये सूत्र। तो यहाँ पे देखेंगे L का मतलब लेंथ ऑफ स्पिन, ठीक है, लेंथ ऑफ स्पिन मतलब जैसे कि ये जो पोल है, ठीक है, स्पिन का तो अभी समझे थे आप, लेंथ ऑफ स्पिन आप समझेंगे, ये जो पोल है, ठीक है, ये पोल के बीच की दूरी जो होती है, ये बीच की दूरी पर भी सैग डिपेंडेंट होता है। अब कहेंगे कैसे सैग डिपेंडेंट हो गया भैया लेंथ ऑफ स्पिन पे, बीच की दूरी पे, तो बताएं का होला उमा का होला, जैसे बहुत दूरी दूरी पोल खड़ा कर देवा मरदवा तो धार खुद ही वायर कंडक्टर जो नीचे चल जी, तो वो खातिर होकर बोला जला। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि लेंथ ऑफ स्पिन पे कैसे वो डिपेंडेंट होगा कि बहुत ज़्यादा दूर दूर, ठीक है, जैसे यहाँ पे है एक पोल और यहाँ पे एक पोल इसे खड़ा कर दिए, तो यहाँ से इसे ये कंडक्टर चला जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्पिन पर भी वो डिपेंडेंट होता है, लेंथ ऑफ स्पिन पर भी डिपेंड करता है कि सैग कैसे होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ स्पिन भी होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर कर दिए अब खम्भा, बहुत ज़्यादा दूर दूर पोल खड़ा कर दिए अब है कि नहीं मेरा कंडक्टर सैग सही होना चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा लेंथ ऑफ स्पिन भी सही होना चाहिए, अपने मानक मात्रक पे होना चाहिए, जितना उसका मात्रक है और जितना हमें लोकेशन के हिसाब से आवश्यकता पड़े उसके हिसाब से होना चाहिए। और अगला सैग हो गया, तो सैग का मतलब कि वही कितना वो झुका है अपने रेफरेंस लाइन से, ठीक है। और अगला जो है कि वो दिया है कंडक्टर टेंशन पे, ठीक है, कंडक्टर टेंशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा उसका सैग। और अगला जो दिया है कंडक्टर वेट, ठीक है, कंडक्टर वेट पे भी डिपेंड करेगा कि ये सैग कैसा होता है, कैसा होगा। अब कंडक्टर का वेट मान लेते हैं कि ये देखिए ये पोल होगा, ये पोल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडक्टर का वेट बहुत ज़्यादा है, ये पोल भी थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पे काहे नहीं इसे नीचे जाएगा भैया, जब वेट ज्यादा रहेगा तो लटके देगा तो है, ग्रेविटी के कारण नीचे की जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रही है तो वो काहे नहीं जाएगा इसे कर्व बन के, इसे कर्व बन के, इसे इसे बनना जरूरी है भाई, वो बन जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा कंडक्टर जो होता है कंडक्टर के वेट पे देखो सैग का ये बताया, ये फार्मूला ये बता रहा है कि मेरा सैग किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इसका सीधा कहना है कि देखिए भैया आपका लेंथ ऑफ स्पिन पे भी डिपेंड करेगा, मतलब खंभे की दूरी पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, और सैग तो सैग हो ही गए, और यहाँ पे कंडक्टर के टेंशन पर भी डिपेंड करेगा और कंडक्टर के वेट पर भी डिपेंड करेगा कि कंडक्टर कितना वेट का है। अब कम वेट का रहेगा तो कम सैग होगा, ज्यादा वेट का रहेगा तो ज्यादा सैग होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि मान लेते हैं अगर कंडक्टर नीचे की तरफ हो जाए, बहुत ही नीचे ऐसे चला जाए तो क्या नुकसान होगा, तो नुकसान तो देखिए बताएं क्या होगा कि देखिए ग्राउंड क्लियरेंस खत्म हो जाएगा, इसे चला यही ऐसे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ जाए, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी यहाँ पे कि अब नीचे से चला गया, अब यहीं पे कहीं हम सड़क पार करा रहे हैं पोल के माध्यम से, तो ये नीचे से जाएगा तो यहाँ पे गाड़ियाँ कहीं से पार हुई हो, गाड़ियों पार होकर चाहिए ना, वो खातिर वहाँ पे ये दिक्कत होगा कि गाड़ी नहीं पार हो पाएंगे और झटका लगने का चांसेस होगा, अगर कोई गलती से भी टच हो गया तो झटका लगने का चांसेस हो जाएगा, और मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, कभी कुछ न कभी कुछ प्रॉब्लम होते रहेंगे, वायर टूटने के चांसेस हो जाएंगे, ज़्यादा सैग हो जाएगा तब पर भी वायर टूटने के चांसेस हो जाएंगे, लटकने लगेगा एक तरफ। हाँ, तो सैग का मतलब होता है कि सैग एक मानक पे होना चाहिए, ना ज़्यादा ज़्यादा नीचे होना चाहिए ना ज़्यादा ऊपर ही होना चाहिए। अब ये बात होती है कि अगर मान लेते हैं एकदम टाइट कर लेते हैं, ठीक है, ये पोल हो गई और ये जो कंडक्टर है इसको हम एकदम टाइट कर लेते हैं तो क्या फायदा। और फ्रेंड यहाँ पे हमने लिखा है कि सैग इज इक्वल टू स्पिन, मतलब आप समझिए कि सैग
सैग क्या है, सैग मतलब कि यहाँ पे इसके नीचे वाला सैग हो गया ऐसे, ठीक है, और स्पिन मतलब इसके बीच की दूरी, पोल के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए सैग और स्पिन, स्पिन यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी अगर कंडक्टर से हम नाप दें तो क्या स्पिन बराबर नहीं हो जाएगा? तो सैग मतलब सैग को भी हम नहीं रखें और स्पिन के बराबर कर दें। अगर हम कंडक्टर जो है मेरा ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसको हम अगर स्पिन के बराबर कर दें, मतलब एकदम रेफरेंस लाइन के सीधे में कर दें, एकदम रेफरेंस लाइन के ऊपर सैग को हम जीरो कर दें, तो क्या होगा? जैसे कि एकदम टाइट कर दें, ठीक है। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा तार एकदम टाइट रहता है, एकदम टाइट रहता है, तो यहाँ पे क्या नुकसान होगा आप ही बताइए। जब ये हाई पोल दोनों बराबर हो जी और एक कंडक्टर एकदम टाइट हो जी, तो कहे ना नुकसान हो, या उसको कहे कि अरे यार नुकसान क्या होगा, क्या फायदा होगा? तो सबसे पहले हम इसके ऊपर फायदे के ऊपर डिस्कस करेंगे कि फायदा क्या होता है, ठीक है। तो फायदा इसमें क्या होगा, ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, अब हाई है, यहाँ से झूल के जाइए तो कंडक्टर कम लगे कि ज्यादा लगे? जाहिर सी बात है, यहाँ से ऐसे झूल के जाएगा तो ज्यादा लगने वाला है, ठीक है, और अगर इसको हम टाइट करेंगे तो कम लगेगा। यहाँ कंडक्टर मेरा ऐसे यहीं से हो जाएगा तो इतना मेरा कंडक्टर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा में क्या होता है कि मेरा कंडक्टर जो होता है, पहला फायदा जो हो जाएगा वो कंडक्टर की बचत हो जाएगी, ठीक है। देखिए कंडक्टर की जब बचत होगी तो दूसरा फायदा हो जाएगा कि पैसा का बचत होगी, ठीक है, ठीक है, पैसे का बचत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। पहला तो देखिए कंडक्टर बचेगा तो पैसा जाहिर सी बात है कि बचने वाला है, ठीक है। अब यही सीधा सीधा रहेगा तो कंडक्टर बच जाएगा तो पैसा बच जाएगा, पैसा बच जाएगा तो ये फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा फायदा क्या होने वाला है कि अगर ये कंडक्टर मेरा एकदम ऊपर ऊपर टाइट रहेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा ग्राउंड क्लियरेंस ना हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, मतलब इतना ऊपर है यहाँ से गाड़ी आराम से क्रॉस हो, फोर व्हीलर लेके पहुँचा, चाहे क्रेन लेके पहुँचा, चाहे जवन मन करे तवन लेके पहुँचा, कोई दिक्कत नहीं बा, कोई तार फार सटे, कोई टेंशन नहीं बा। तो वहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस जो होता है गुड ग्राउंड क्लियरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलेगा वो गुड ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होगा। तो पहला फायदा ये होगा कि कंडक्टर की बचत होगी, अब जब कंडक्टर की बचत होगी तो पैसे की भी बचत होगी, बचा ग्राउंड क्लियरेंस तो ग्राउंड क्लियरेंस भी एक इसका फायदा है। अब आते हैं हम नुकसान, यहाँ पे देखेंगे कि नुकसान क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि नुकसान क्या क्या होने वाला है इसको टाइट करने के बाद। तो क्या होता है देखिए फ्रेंड, जब हम इसको ऐसे टाइट कर देंगे ना, ये कंडक्टरवा जो होता है ना, इसे टाइट कर देंगे तो क्या होगा, जब इसको टाइट कर देंगे तो ये इधर को खींचेगा, ठीक है, और ये इधर को खींचेगा, तो दोनों को खींच करके खमुआ तोड़ देगा, तो हो गया कल्याण, ठीक है। जितना कंडक्टर का बचत नहीं करेंगे उससे भी ज़्यादा हमारे का भट्ठा बैठ जाएगा। तो हमारा जो ये है कि इससे सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि ये पोल को ज़्यादा से ज़्यादा टूट जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पोल जो होता है वो झुक जाता है, झुकता है, कभी कभी पोल टूट भी जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो यहाँ पे जो वी कर्व लगे होते हैं, वी कर्व तो मुड़िए जाते हैं, ये तो समझ ही लीजिए, एकदम टाइट अगर हम वायर को कर देते हैं, वहाँ पे कंडक्टर को कर देते हैं अगर, तो पक्का है कि वी कर्व जो जिसमें इंसुलेशन कसा जाता है, वी कर्व है कि वो टेढ़ होइए जाना है, और जब वो टेढ़ होगा तो कौन सा बच जाएगा आपका इंसुलेशन? तो यहाँ पे मेरा नुकसान क्या हो गया, यहाँ पे मेरा क्या होगा कि इंसुलेशन का टूटना, ठीक है, इंसुलेशन टूट जाएगा तो मेरा नुकसान हो गया भैया, इंसुलेशन गया। जब इंसुलेटर गया तो भी कर्व कौन बचा है, भी कर्व भी गया, पहला नुकसान इंसुलेटर गया, ठीक है, दूसरा नुकसान भी कर्व चला गया, ठीक है, दूसरा नुकसान भी कर्व चला गया, वो भी टूट गया, वो भी खत्म हो गया, और तीसरा नुकसान क्या होगा कि यहाँ पे जो है कि ये पोल टेढ़ा हो जाएगा। तो ये तीसरे नुकसान के बीच में आ जाएगा कि पोल का टेढ़ा होना, ये पोल टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पोल टेढ़ा हो गया तो फिर और भट्ठा बैठेगा, ठीक है, और फिर देखिए क्या नुकसान हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, ये पोल भी टूटने वाला है, वी कर्व भी टूटने वाला है, मान लीजिए वो सब नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अगर वायर एकदम टाइट टाइट रहेगा तो वायर कौन बचेगा, वायर वो आपका टूट जाएगा, तो मेरे को फायदा क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान हो गया। तो चौथा नुकसान इसमें हो जाएगा वायर का टूटना, ठीक है। तो मेरे को देखिए फायदा क्या हुआ, बस कंडक्टर की बचत हुई और ग्राउंड क्लियरेंस मिला। ग्राउंड क्लियरेंस इतना भी नहीं लेना चाहिए कि सब ऐसा फाचट हो जाए, ठीक है। तो हमको कंडक्टर की छोटी सी बचत के लिए हमें इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ग्राउंड क्लियरेंस रखना चाहिए और सैग भी रखना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ स्टैंडर्ड के हिसाब से करना चाहिए। हमें इलेक्ट्रिकल में हर एक चीज़ जो स्टैंडर्ड होते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से करना चाहिए और लोकेशन के हिसाब से करना चाहिए। हाँ, कोई भी अपने मनमानी नहीं कि टाइट कर दिए और टाइट की वजह से वो टूट जाए, ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कामयाबी लगा हो कि नहीं काम का है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको अगर समझते हैं तो उनको ट्रांसमिशन लाइन में बहुत बहुत ही सहायता मिलने वाली है।